स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धे से निवेदन करेंगे कि सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान करने की कृपा करें। पतंजलि आईएएस कोचिंग बड़े ही प्रतिष्ठित आईएएस कोचिंग है और इसके डायरेक्टर श्री धर्मेंद्र सर जो कि दर्शन के प्रोफेसर हैं उनको हम बड़े ही भावपूर्वक आमंत्रित करते हैं मंच पर। एक बार जोरदार तालियां आप बजाते रहे क्योंकि ये आप में उत्साह भरेगा, आप में ऊर्जा भरेगा। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान के कुमार गौरव सर को हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे कि वह कृपया यहाँ पर पधारे और उनके माध्यम से जो कुछ भी सहयोग युवाओं को गढ़ने के लिए दिया के माध्यम से कार्य किया जा रहा है उसको दिया जा रहा है, उनके प्रति आभार। और तालियां इसलिए बजाते रहिए ताकि कल को आप लोग भी यहां आए और आपके लिए तालियां बजे। कुमार गौरव सर यहां पर पधार रहे हैं। जब भी बजाते हैं आप तालियां तो अपने को देते हैं नई ऊर्जा देते रहिए क्योंकि युवा विदा 2019 है ये। आलोक कुमार सर यूपीएससी इंग्लिश के शिक्षक हैं, बड़े ही प्रतिष्ठित रूप से आपका भी योगदान दिया दिल्ली को विभिन्न रूपों में रहा है। आलोक कुमार सर को भी हम आमंत्रित करते हैं सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड के लिए कि कृपया वे मंच पर आएं। इसके पश्चात दिया ओडिशा चैप्टर डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के पूरे भारत में अनेकों चैप्टर हैं, आप दिल्ली चैप्टर के साथ जुड़े हैं, ऐसे ही दिया ओडिशा चैप्टर की कुमुदनी दीदी और संतोष जी को हम आमंत्रित करते हैं मंच पे। आदरणीय सर जो पधारे हैं आलोक सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के माध्यम से ओडिशा चैप्टर जो बड़ा ही उत्कृष्ट कार्य कर रहा है उसके लिए उनको सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान करेंगे श्रद्धेय डॉक्टर साहब। कुमुदनी दीदी और संतोष जी जो कि दिया ओडिशा टीम से यहाँ पर पधारे हैं जोरदार तालियां इनके लिए भी क्योंकि हम भी ऐसे भवन की डिजाइनिंग और न केवल इस कार्यक्रम की बल्कि पूरे भारत के कई ऐसे युवा कार्यक्रमों की डिजाइनिंग में योगदान रहता है। दिया पुणे चैप्टर के नेत्राम जी कृपया यहाँ पर पधारे। सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड दिया पुणे चैप्टर के नेत्राम जी को यहाँ पर दिया जा रहा है। साथियों आईएएस की तैयारी करते करते कैसे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो इसकी प्रयोगशाला बनाया अपने आप को साहित्य विस्तार टीम दिया दिल्ली ने, तो जोरदार तालियों से दिया दिल्ली टीम की साहित्य विस्तार टीम। जब आप लोगों से बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है और जैसा श्रद्धे बता रहे थे साहित्य विस्तार टीम दिया दिल्ली यहाँ पर पधारे उन्हें भी मिलता है सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड 2019। अभ्युदय आपके सामने जिन बच्चों ने परफॉर्म किया था शुरुआत में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इन बच्चों को अपनी मेहनत से अपनी मशक्कत से घंटों घंटों मेहनत करके तैयार करने वाले कोरियोग्राफर शुभम और पायल को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे यहां पर आए। उन बच्चों की एक परफॉर्मेंस और आपके लिए बची है जिसको आप जरूर देख के जाएंगे। जोरदार तालियां दिया दिल्ली टीम के शुभम और पायल, अपने प्रतिभा का इन्होंने विकास किया और उसके माध्यम से शुभम और पायल इस क्रम में आगे बढ़ते हुए बाल संस्कारशाला टीम वजीराबाद, बाल संस्कार टीम वजीराबाद ने भी अपनी तरफ से बहुत ही शानदार प्रयास करके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मिले हैं और उन्होंने जो सबसे बड़ा दान किया है साथियों समय का दान सबसे बड़ा दान होता है। समय को अपने लगाया है, सिर्फ अपनी रोजी रोटी की नहीं सोची, अपने भविष्य की नहीं सोची, अपने साथ साथ औरों का भी उत्थान हो। हमारे सामने शुभम और पायल घंटों घंटों उन बच्चों के साथ मेहनत करके इन्होंने उन्हें तैयार किया है। जोरदार तालियां इनके लिए, हम इनकी सेवा का सम्मान करते हैं। वजीराबाद बाल संस्कारशाला टीम सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड इनको भी मिलता है। देखिए आपको अगर भविष्य में अपने लिए तालियां बजवानी है तो फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए अभी ताली बजा बजा के औरों के लिए। अभी जो आप दूसरों के लिए करेंगे वो विद इंटरेस्ट आपको वापस मिलेगा। जोरदार तालियां वजीराबाद बाल संस्कारशाला टीम। इसके बाद गोपालपुर बाल संस्कारशाला टीम को हम आमंत्रित करते हैं। गोपालपुर बाल संस्कारशाला टीम साथियों अगले वर्ष के प्रोग्राम में आप में से कईयों को हम लोग देखते हैं कि आप भी यहाँ पर इसी रूप में पुरस्कार ग्रहण कर रहे होंगे, तो उस भविष्य को देखते हुए गोपालपुर बाल संस्कारशाला टीम के लिए जोरदार अभिनंदन में तालियां।
इसके बाद तिमारपुर बाल संस्कारशाला टीम सर्विस एक्सलेंस अवार्ड युवा अभ्युदय 2019। तिमारपुर बाल संस्कारशाला टीम और इसके बाद दो टीमें हमारी और हैं, वो बारी बारी से यहाँ आ जाएं व्यवस्थित रूप से। निरंकारी कॉलोनी बाल संस्कारशाला टीम और अजरोंदा बाल संस्कारशाला टीम। और जो मैं आपको कह रहा था साथियों कि जिनके माध्यम से वो पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं वो व्यक्तित्व वो हैं, ऐसे ही किसी कार्यक्रम में उनसे प्रेरणाएं पा करके युवा ऐसे बन गए कि उन्होंने अपने जैसे हजारों तैयार कर दिए, तो आज आप सब में वो लीडरशिप देख करके वो मार्गदर्शन आपको मिला है। अगर आप वो लीडर बन गए तो भविष्य में आप आईएएस तो बनेंगे ही, आईएएस से ऊपर की जिंदगी भी बड़ी शानदार जिएंगे। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां इन सभी टीमों के लिए, गोपालपुर, तिमारपुर, निरंकारी कॉलोनी, अजरोंदा बाल संस्कारशाला टीमें यहाँ पर पधार रही हैं, इन सब का यहाँ पर अभिनंदन। और एक बात कही जाती है, इंस्पिरेशन डज एग्जिस्ट बट इट वॉन्ट्स अस वर्किंग। प्रेरणाएं तो हमें मिलती हैं लेकिन उस पर हमें काम करना होता है। तो आपका यहाँ भी धैर्यपूर्वक बैठना भी वो काम है जो आप कर रहे हैं, जो प्रेरणा आपको मिली, क्योंकि रिटर्न एग्जाम के लिए भी बैठना पड़ता है, इंटरव्यू के लिए भी बैठना पड़ता है। धैर्य का बेहतर अभ्यास आपने सीखा और बहुत कुछ आज आप यहाँ से ग्रहण करके जा रहे हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां इन सब टीमों के लिए। अब हम मनीष भाई से निवेदन करेंगे कि परम श्रद्धेय का हम सभी की ओर से धन्यवाद करें प्रतीक चिन्ह भेंट करके। साथियों, ये प्रतीक चिन्ह भी दिया दिल्ली के वॉलंटियर्स ने बड़ी मेहनत करके बड़ी ओरिजिनलिटी के साथ अपने ही हाथों से बनाए हैं, अपने ही हाथों से तैयार किए हुए हैं। बड़े इनोवेटिव दिया दिल्ली टीम के युवा साथियों ने कैलीग्राफी का इस्तेमाल करके बड़े ही क्रिएटिवली इसको बनाया है। जोरदार तालियां उन साथियों के लिए। ओंकार जी से निवेदन है कि वो डॉक्टर चिन्मय पांड्या सर को कैलीग्राफिक वे में तैयार इन मोमेंटो को प्रदान करें। दिया दिल्ली चैप्टर की ओर से युवा अभ्युदय की ये यादें और इसके साथ जुड़ी चीजें। इसके बाद हम निवेदन करेंगे श्री आरएन सिंह जी का सम्मान करने के लिए। हमारी टीम जो यहाँ पर है वो उनका भी मोमेंटो देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। यहाँ पर ट्री प्लांटेशन का फिफ्थ वीक JNU, DSVB और DU की ओर से एनवायरमेंटल संडे ग्रुप का आज ये फिफ्थ वीक है और ये एक बड़ा शानदार प्रयास है। एनवायरमेंटल संडे ग्रुप एक हमारा कोलकाता का ग्रुप है जो श्रद्धेय के मार्गदर्शन में 450 से ज़्यादा रविवार लगातार ट्री प्लांटेशन कर चुका है और अब उससे प्रेरणा पा करके फिफ्थ वीक ट्री प्लांटेशन JNU, DSVB, DU का एनवायरमेंटल संडे ग्रुप आपके सामने है। साथियों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन पा करके देश के लाखों युवा अनेकों इनोवेटिव काम कर रहे हैं, तो ऐसे शानदार व्यक्तित्व का आज